झरिया के जोरापुकर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात 28 मई को कोयला लोड हाईवा अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी, जिससे घर के लोग तो बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना में नई स्विफ्ट और 3 बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही प्रमोद पासवान और राम अवतार पासवान का घर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मकान मालिक की माने तो इस घटना से लगभग 20 लाख का नुकसान हुआ है। फिलहाल जोरापुकर पुलिस ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं मकान मालिक का कहना है कि इस घटना में हुए नुकसान की भरपाई हाईवा मालिक करे। प्रमोद जी, ये घटना कब घटी? 11:20 में। क्या कुछ पता चला, कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ, कहाँ थे आप लोग उस वक्त? ड्राइवर किए हुए थे सर, हम लोग घर में से अंदर। किसी को कुछ नुकसान भी हुआ है, कोई व्यक्ति? समान नुकसान का हुआ, व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ। बाल बाल बच गए सर। क्या लगता है कि इस घटना को देख के क्या कहेंगे? इस घटना को देख के हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई मिलना चाहिए। कितना का नुकसान लगभग हुआ होगा? देख लीजिए सर, गाड़ी है न्यू। कौन सा गाड़ी है? स्विफ्ट है। अंदर में 3 बाइक है। इधर में हम लोग का घर उर का भी नुकसान हुआ। लगभग कितना का नुकसान? लगभग मान के चलिए ऐसे तो 8-10 लाख का गाड़ी हो जा रहा है। 2-3 बाइक है। घर है। मतलब 20 लाख का लगभग नुकसान। 20 लाख का मान के चलिए। बात हुआ अभी तक किसी से? कोई आया मालिक वगैरह कुछ? मालिक वाली कोई नहीं आया है। पुलिस आई थी रात में, ड्राइवर पकड़ाया है। ड्राइवर को हम लोग पूछ रहे हैं, उसको सही सलामत से थाना वालों को हैंडल कर दिए कि सर आप ले जा करके आप इनको। ये गाड़ी कहाँ जा रही होगी, क्योंकि रोड भी बंद है दोनों ओर से, तो क्या लगता है ये गाड़ी अगला में जाने का? सर हम लोग तो नहीं जानेंगे कि कहाँ जा रही है, लेकिन रात में ये कुटकी की ओर से आ रही थी। साइडिंग बोल रही चल रही है कि साइडिंग चल रही है? ड्राइवर बोला कि साइडिंग से चल रही है।